हेलो जी, हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सभी लोग। वेलकम बैक एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग अपने घर पे थोड़ी सी रेनोवेशन का काम करवा रहे थे यार गाइस। और क्या हम लोगों का काम पूरा हो गया यार? अरे जी सर, आपका काम तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास ओके हो चुका है। आप अगर चाहें तो देख भी सकते हैं। अरे असल में गाइस, हम लोग लगवा रहे थे अपने घर में, ये देखो सीसीटीवी कैमराज, क्योंकि आसपास ना मोहल्ले में बहुत सारी चोरियां होने लग गई हैं भाई। पता नहीं अचानक से, ये देखो भाई शर्मा जी बेचारे की ना पूरी की पूरी यहाँ से एक गाड़ी चोरी हो चुकी है। और इनकी वाइफ बहुत गुस्सा करी थी क्योंकि उनकी वाइफ की गाड़ी थी। अब यहाँ पर पुलिस वुलिस आई हुई है भाई, रिपोर्ट वपोर्ट दर्ज हो रही है। बट मैंने सोचा भाई, इससे पहले कि हम लोगों के घर पर कोई ऐसी हरकत हो, हम लोग भाई कैमरा वैमरा लगवा लेते हैं। अरे सर, आप कैमरे के फुटेज अपने मोबाइल में देख सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, मोबाइल पे? अरे जी सर। ठीक है भाई, चेक करते हैं एक मिनट को। अरे हाँ भाई, अच्छी फुटेज आ रही है। ये कैमरा वन की रही है जो सामने लगा हुआ था यार गाइस, ये रही भाई कैमरा टू की, ये जो बाहर वाली साइड पे ही लगा हुआ था। काफ़ी ज़्यादा सही फुटेज आ रही है, यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारा कुछ हम लोगों को पता चलता रहेगा। एक कैमरा ऐसे पीछे वाली साइड पे हम लोगों ने लगा रखा है, और ये वाला कैमरा काफ़ी मस्त है, यानी कि हम लोग इसको रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अरे जी सर, इसलिए तो इतना महंगा है। हाँ गाइस यार, ये कैमरा तो बहुत महंगा है। और वो देखो, वो सामने मैं खड़ा हूँ और वहाँ से घर भी नज़र आ रहा है, और हम लोग रोटेट करना चाहें तो हम लोग इसको इस तरफ रोटेट करके भी पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है यार ये तो, यानी कि पूरा 360 व्यू ये कैमरा हम लोगों को दे सकता है। और एक कैमरा लगा हुआ है भाई पीछे वाली साइड पर हम लोगों के बैकयार्ड में, ये देखो भाई, ये है हम लोगों का फोर्थ कैमरा। और ये शिनचान पता नहीं क्या कर रहा है यहाँ पे ऊपर चढ़ के। ये वाला भी जो है पूरा का पूरा 360 मूविंग रोटेटिंग कैमरा है यार, यानी कि हम लोग इस तरफ भी नज़र रख सकते हैं अपने नेबरहुड पे, और अगर हम लोग चाहें तो इस तरफ भी पूरे घर की तरफ हम लोग नज़र घुमा के देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चीज़ है ना यार, यानी कि हर डायरेक्शन में हम लोग अपने घर को पूरे तरीके से देख सकते हैं। अभी फिलहाल इसको इसी डायरेक्शन में छोड़ देते हैं कि पूरा घर नज़र आए, और अगर पीछे से कोई एंट्री मारने की कोशिश करे ना तो पूरा उसका मुँह ना ऐसे कैमरे में आ जाए। देख सर, ये काम तो आपने काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर दिया, पूरे तरीके से हम लोगों को ना कैमरे वैमरे की फुटेज भी मिल रही है, और पैसे वैसे तो मैंने आपको एडवांस में ही दे दिए थे, तो अभी आपका काम खत्म हो गया तो आप जा सकते हो। अरे जी सर, मैं बस निकलने वाला था। ऑल राइट, तो गाइस ये बंदा तो चला गया है, नीचे चल के देखते हैं शिनचान का बच्चा क्या कर रहा है भाई छतरी पे चढ़ के। अबे शिनचान, ओए हेलो, क्या कर रहा है भाई तू? हाय फैंक भैया, यार मैं कैमरे के अंदर देख रहा था, ये कैमरा भी घुमा भी था। हाँ मैंने ही घुमाया था, मैं देख रहा था तेरे को कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे। और पूरा भाई मैं 360 व्यू ले रहा था कि कैमरे में अच्छे से सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। हाय फैंक भैया, क्या बात कर रहे हो, कहाँ से कंट्रोल कर रहे थे आप? मैं अपने मोबाइल फ़ोन से कंट्रोल कर रहा था, और बहुत ज़्यादा मस्त तरीके से भाई कंट्रोल हो रहा था। अरे यार मैं हूँ ना, मेरे होते हुए कैमरे की क्या ज़रूरत? तेरे होते हुए भाई ये साथ वाले घर में चोरी हो गई, तेरे को खबर भी नहीं हुई भाई? अरे तो उस वक्त मैं सो रहा था। हाँ भाई, जब हम लोगों के घर में चोरी हो जाएगी तब भी तू यही बोलेगा कि मैं सो रहा था। खैर गाइस यार, एक डुबकी मारते हैं, फिर मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम के लिए ना निकलना है, वो मैं आपको रस्ते में समझाता हूँ। अरे भाई शिनचान, तूने चलना है तो? हाय फैंक भैया, मैं भी आ रहा हूँ। भाई चौप, तू जाएगा क्या? अरे अरे चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ भाई आ जा, वैसे ऐसे एहसान करके आ रहा जैसे कि भाई मैं इसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें कर रहा हूँ कि आ जा। कलर में गाइस यार सोच रहा हूँ अपनी इस गाड़ी का ना चेंज करवा लूँ, और रेड करवा लूँ, काफ़ी मस्त लगेगा। मेरे दिमाग में तो रेड ही कलर आ रहा है मस्त। आप लोगों के दिमाग में अगर कोई और कलर आ रहा है तो आप बता दो, ये चीज़ आपको दिखानी भूल गया। ज़रा बैग चलते हैं। ये देखो, ये रहा वो वाला कैमरा जिसकी फुटेज आपको मैंने दिखाई थी, कैमरा नंबर 3 हम लोगों का, और ये भी घर की अच्छी निगरानी करेगा। अब मेरे को भाई कोई टेंशन नहीं है, जहां मर्जी मैं चला जाऊं, मस्ती से अपने घर की निगरानी हो रही है। और चौब भी भाई मेरे साथ है, तो अभी घर में कोई भी नहीं है, फिर भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि घर में कोई घुसा तो नहीं जाएगा। आज हम लोग वैसे जा रहे हैं यार गाइस अवेंजर्स की तरफ, क्योंकि टोनी का मेरे को फ़ोन आया था कि उसने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है मेरे से, इसी वजह से उसने मेरे को बुलाया है। हाय फैंक भैया, तो हम लोगों को क्यों लेकर जा रहे हो यार, हम लोगों को यहीं पे छोड़ दो। अरे मेरे से उसने बात तो करनी है, बट भाई तुम लोगों की भी ऐसे आउटिंग वाउटिंग हो जाएगी। तो है ठीक है, जल्दी से निकलते हैं भाई, फालतू बातें हम लोग कर रहे हैं, जल्दी से भाई पहुंचते हैं भाई टोनी के पास, और वहीं पर चल के ना करते हैं भाई उससे मुलाकात, और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट बात है। अरे भाई साहब, ये लोग इतने भाग भाग क्यों रहे हैं? वो भाई वो देख ऊपर। अरे यार फैंक भैया, लगता है यहाँ पे कुछ तो हुआ। हाँ भाई वहाँ पे आग लग रखी है, और भाई देख लोग कैसे भाग रहे हैं, यहाँ पे ये लेडी भी मरी पड़ी है, और ये देखो बापड़े यहाँ पे तस्वीरें उतार रहे हैं। हाय फैंक भैया, इनकी मदद करें क्या? भाई ऊपर बिल्डिंग चल रही है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ इनकी? हाय फैंक भैया, कुछ तो करो ना यार, ऐसे ऊपर लोग मर जाएंगे सारे के सारे। हाँ बात तो सही है शिनचान की। अरे यार मुझे डर लग रहा है, मुझे जाने दो। अब चुप करके वहाँ पे खड़ा रहा चौब, मैंने अभी तेरी रस्सी बांधी हुई है, तू नहीं जा सकता कहीं पे भी।
बट गाइस अभी मैं करूँ तो करूँ क्या, ऊपर जाने का ये रास्ता मेरे को एक अलग रह के है। ऊपर से आवाज़ें भी आ रही हैं लोगों के चीखले चिल्लाने की, और बचाना पड़ेगा यार। एक तो भाई अच्छा बंदा बनना नहीं चाहिए बंदे को, बचाना पड़ जाता है सबको। यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ ना मैं पीछे से? हाँ भाई ये सीढ़ियाँ लग रखी हैं भाई, बट ये ऊपर आग लगी तो लगी कैसे समझ नहीं आ रही अभी मेरे को। भाई लोग जल रहे हैं भाई, वो देखो सामने भाई लोग जल वल रहे हैं, आवाजें भी आ रही हैं भाई। इससे पहले दूसरा बंदा जले भाई मेरे को पहुंचना चाहिए। अरे भाई ओए 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 मेरे को लग रहा है जल गया भाई, जल गया भाई 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 भाई, भाई हो सकता है भाई ये बंदा बच जाए। इस बंदे को बचा सकता हूँ मैं क्या? हाँ भाई बचा सकता हूँ शायद से। भाई इनके ऊपर से जल्दी से आग हटाता हूँ भाई, जल्दी से आग हटाता हूँ। ये बंदा शायद से बच गया। अरे सर आप ठीक हो क्या? नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, वहाँ पे नुक्कड़ पे एक बक्सा पड़ा है, मिलिट्री बेस पहुंचा दो उसको प्लीज। अरे कौन सा बक्सा, यहाँ पे मुझे कोई बक्सा नहीं नजर आ रहा। अरे हेलो, ओ भाई साहब, अबे लगता है ये तो मर गया यार गाइस। अरे भाई बक्सा बक्सा कोई कह रहा था भाई, समझ नहीं आया कहाँ पे है बक्सा, नजर वजर तो कुछ भी नहीं आ रहा, और आग भी भुज चुकी है भाई, अभी फायर ब्रिगेड भी नहीं आई। मैम मेरे को यहाँ पे कोई बक्सा बक्सा तो गाइस यार नजर नहीं आ रहा, आप लोगों को नजर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताओ जरा जल्दी से। बक्सा नुक्कड़ पे कहा था, नुक्कड़ पे देखें क्या? हाँ भाई नुक्कड़ में देखते हैं ना। अरे यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। ओए ये रहा ना बक्सा, अबे इस बक्से में क्या है देखना पड़ेगा। ये तो भाई बंदा है बहुत जोर का, खुल भी नहीं रहा, बट इस बंदे ने कहा है मिलिट्री बेस पहुँचाना है, और ये कुछ कमांडो टाइप लग रहा था मेरे को। अब बक्सा लेकर नीचे जाते हैं, ये देखो आप लोगों को दिखाता हूँ दोबारा से बंदे की शक्ल एक दफा को। भाई ये देखो इसने मिलिट्री वाली पैंट तो पहनी हुई है, ग्लव्स भी देखो मिलिट्री वाले हैं। हाँ ये बंदा मेरे को मिलिट्री का ही कुछ लग रहा था स्पेशलिस्ट, और ये भाई कोई डीलर वीलर लग रहा था मुझे शायद से, पता नहीं अभी हो सकता है यहाँ पे कोई डील चल रही हो। अरे थैंक यू भैया, इस बक्से में क्या है? पता नहीं शिनचान अभी मुझे कि इस बक्से के अंदर क्या है, बट वो मिलिट्री वाला एक ऊपर मिला था, और शायद वो मिलिट्री का कुछ स्पेशल कमांडो या स्पेशल एजेंट था। अरे लेकिन हम तो एवेंजर से मिलने जा रहे थे ना। आ जाते हैं जाते हैं, जॉब एवेंजर से मिलने जाते हैं। सबसे पहले गाड़ी धुलवा के मेरे को देख रहे हैं, उस बक्से के अंदर क्या है भाई? बक्सा यानी ऐसे उसने कहा तो नहीं था कि खोलूं मैं, उसने बस कहा था मिलिट्री बेस पहुंचाना है। अरे यार मिलिट्री बेस यार, इसमें कोई खतरनाक चीज ना हो, कोई बम ना हो। हाँ बम भी तो हो सकता है ना, पता नहीं क्या हो भाई। पता चले भाई न्यूक्लियर मिसाइल के कोड वोड है इसके अंदर, और मैं लॉस सैंटोस की सड़कों में पावड़ों की तरह इसको लेके जा रहा हूँ। लो जी लो गाइस, गाड़ी अभी हम लोगों ने सही करवा ली है। हाय वेंग भैया, तो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? हम लोग गाइस जा रहे हैं अभी एक खाली जगह पे। अभी ये देखो भाई यहाँ पे पूछताछ चल रही है कि आग वाग कैसे लगी, फायर ब्रिगेड वाले हर जगह फैले हुए हैं। अरे यार अपने बताया नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं यार चौपे एक ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी शांति होगी, और वहाँ पे कोई भी हम लोगों को देखेगा नहीं कि हम लोग ये बॉक्स खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अरे यार लेकिन वो जगह कितनी दूर है? अबे ज्यादा दूर नहीं है चौपे, बस पहुँचने वाले हैं हम लोग गाइस, और हम लोगों को बस जाके देखने इस बॉक्स में आखिर है क्या ऐसा। हाय लेकिन हम लोग तो घर की तरफ आ गए। हाँ घर के पास ही है वो जगह, एक मिनट तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी चल के, तुम लोग भी जानते ही हो उस जगह के बारे में। देखो गाइस ये रही वो जगह। हाय बैंक भैया ये कैसी जगह है? अबे यही तो वो जगह है भाई, लॉस सैंटोस से इतना दूर, ये सामने ऑडिटोरियम है, यहाँ पे फिलहाल कोई फंक्शन नहीं है तो यहाँ पे कोई आएगा ही नहीं, पीछे वाली साइड पे माउंटेन है तो पीछे से भी कुछ नजर नहीं आएगा, और आसपास यहाँ पे शोर वोर भी थोड़ा मचा लो तो किसी को सुनाई नहीं देता, क्योंकि ये जगह लिटरली रोड से काफी दूर है। भैया लेकिन इसको खोलेंगे कैसे? हो सकता भाई गोली वोली मारने से खुल जाए। हाँ बट नहीं भाई इसको तो गोली से कोई फर्क नहीं पड़ा यार गाइस। अबे एक इसका कॉल आ गया भाई। अरे फ्रैंकलिन यार अभी तक पहुंचे नहीं तुम? हाँ मैं टोनी रास्ते में हूँ, थोड़ी देर तक पहुंच रहा हूँ। अरे यार तुमसे बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट बात करनी है, फ्रैंकलिन जल्दी पहुंचो यार। अरे हल्क भी इंतजार कर रहा तेरा, कब पहुंचेगा रे तू? आ रहा हूँ हल्क, आ रहा हूँ भाई, इतनी क्या उतावड़ा बनती है भाई, तुम लोगों को कह रहा हूँ बस आ रहा हूँ। अरे तेरी बात कर रहा हूँ भाई मैं, जल्दी पहुंच, यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अबे हल्क चुप करके खाना पीना कर, आ रहा हूँ थोड़ी देर तक, फालतू में तंग करने लग जाते हैं। अभी मेरे को ये पहले बक्सा खोलना है, उसके बाद देखूंगा भाई कि हम लोगों को आखिर करना क्या है भाई इस बक्से के साथ, मिलिट्री बेस पहुंचाना है या फिर नहीं। हाय वेंक भैया गोलियां चला रहे हो अंदर, बम बम हुआ तो? अबे बॉम्ब तो नहीं, ऐसे वो लेके फिर रहा होगा बंदा, और वो पागल थोड़ी है भाई मेरे को ऐसे कह दे के भाई बॉम्ब लेके मिलिट्री बेस पहुंच जाऊं मैं। अरे यार फिर भी जरा ध्यान से ना। अरे क्या करूं यार गाइस, सोचना पड़ेगा कि क्या करूं अभी मैं। आप लोग यार कमेंट सेक्शन में बता दो भाई, कुछ आप लोग कुछ बताते ही नहीं हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो भाई कि कैसे हम लोग इस बक्से को खोलें। अगर आप लोगों को नहीं पता तो किसी दोस्त को वीडियो शेयर करो, और उससे राय लो कि भाई कैसे बक्सा खोलें ये वाला, कोड वोड भी नहीं यहाँ पे लगाने की जगह,
ना ही भाई कोई ओपनिंग दे रखी है, ये देखो आउटलाइन ही है बस, खोलने की जगह ही नहीं है भाई कोई। बताओ जरा बंदा खोले तो खोले कहाँ से। सब चीज़ें तो ट्राई कर ली इस पर, एक चीज़ और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग कर सकते हैं यार शिनचान चॉप। है फेंक भी है लेकिन वो क्या। अरे तुम लोग जरा पीछे हो जाओ, मैं अपने कुल्हाड़ी से खोलने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है इससे खुल जाए। अरे हाँ यार इससे तो खुल सकता है। हाँ मैं कोशिश करता हूँ चॉप, ये भाई कोशिश करता हूँ भाई किसी तरह खुल जाए ये। अरे भाई ये तो खुल गया। अरे यार इसके अंदर से क्या चमक चमक निकल रही है। पता नहीं चॉप, इसके अंदर डब्बे के अंदर काफी ज्यादा अजीब सी कोई चीज लग रही है, तो घड़ी है भाई। हाय फ्रैंक भाई यार एक घड़ी के लिए इतना ज्यादा झंझट किया क्या हमने। हाँ भाई बक्से में और तो कुछ भी नहीं है, बस एक घड़ी पड़ी है, इसको पहन के देखें क्या। हाय फ्रैंक भैया पहन के देख लो यार, लेकिन कुछ ऐसी हास पास घड़ी ना हो ये। घड़ी तो अभी मैंने पहन ली है, ये देखो गाइस कुछ ऐसी सी घड़ी है भाई, बेंटन वाली घड़ी लग रही है, बट ऑब्वियसली भाई वो बेंटन वाली घड़ी तो नहीं होगी ये। हाय फ्रैंक भैया फालतू में इतना झंझट किया यार इसके लिए। हाँ भाई ये चला जा फिर, जल्दी से चलते हैं टोनी से मिलने। फालतू में गए यार 2 घंटे से लगे पड़े थे हम लोग, और निकला भी तो क्या अंदर से एक घड़ी। अब मेरे को लग रहा भाई किसी ने बहुत ही गंदा मजाक किया भाई हम लोगों के साथ। अरे यार लेकिन वहाँ पे वो कमांडो भी तो था जली हुई हालत में। हाँ वो तो यार था चौब। यार भाई जो भी था, अभी ये घड़ी पहन तो लिया मैंने, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है यार गाइस, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर कुछ स्पेशल होता ना तो घड़ी पहनने के साथ ही हम लोगों को ना पता चल जाता या फील हो जाता, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसके अंदर से वो जो चमक निकल रही थी वो भी गायब हो गई। अरे भाई बारिश एक तो ऊपर से अलग शुरू हो गई। हाय फ्रैंक भैया वो देखो टोनी अंकल जा रहे हैं। अबे हाँ भाई ये टोनी भाई बावड़ा उधर किधर जा रहा है भाई, मेरे को अपने घर बुला के। वो देखो भाई गाड़ी में देखो पता नहीं कहाँ पे जा रहा है। थैंक गॉड भाई तेरी नजर पड़ गई, उसके घर जाते फिर पता चलता ये घर में नहीं है। अरे रोकते हैं भाई इसको एक मिनट, यहाँ पे लगाते हैं गाड़ी, अब रोकते हैं भाई इसको। हाँ भाई ये किधर जा रहा था भाई हम लोगों को अपने घर बुला के तू। अरे यार तुम्हारा कब से वेट कर रहा था, तुम्हारा वेट करते करते हल्क और बाकी एवेंजर्स निकल गए यार। कहाँ पे निकल गए भाई। अरे यार हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था यार लॉस सैंटोस से बाहर, तभी तो तुम्हें बुला रहे थे यार हम, के लॉस सैंटोस में अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर होगी। अभी सबसे पहले गाड़ी साइड पे हटाओ, मैं गाड़ी साइड पे लगाऊं वरना कोई ठोक जाएगा। लेकिन तुम लोग जा कहाँ पे रहे हो भाई। अरे यार वो थोड़ा टॉप सीक्रेट है, और वैसे भी लॉस सैंटोस में यार आज मिलिट्री बेस से एक चीज काफी ज्यादा खतरनाक चोरी हो गई है। कौन सी चीज यार टोनी। अरे यार पता नहीं कुछ स्पेशल बॉक्स था जिसमें मिलिट्री की कुछ बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी वाली कुछ चीज थी, कोई वेपन था, अभी वो चोरी हो चुके है, तो अगर तुम उस अपराधी को ढूंढने में मेरी मदद कर पाओ तो काफी अच्छा होगा। अभी बाकी एवेंजर्स तो चले गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पर रह के उस केस की छानबीन करूँ। क्या जरूरत है भाई टोनी मिलिट्री को करने देना भाई। अरे मिलिट्री के तो हेलीकॉप्टर 2400 घंटे उड़े हैं जब से वो चीज गायब हुई है, बट मैं अपने तरीके से भी छानबीन करूंगा, बस इसीलिए तुम्हें मैं अपने पास बुला रहा था कि तुम भी मेरी इस केस में मदद कर सको। हाय फ्रैंक भैया यार ये उसी चीज की बात तो नहीं कर रहे। अरे क्या मतलब शिनचान उसी चीज की। अरे कुछ नहीं ये इसने न्यूज में सुना था ना वो बात कर रहा भाई कि उसी चीज की बात तो नहीं कर रहा तू। अरे हाँ हाँ न्यूज में भी आया होगा शायद से। है ठीक है फिर मैं निकलता हूँ, अभी तुम्हें कुछ भी पता चले तो मुझे जरूर से बताना। हाँ टोनी मुझे कुछ भी पता चलता है तो मैं जरूर से बताऊंगा। अरे हाँ यार बता देना, बहुत अच्छी बात होगी अगर तुम बता दोगे तो। अरे भाई मेरे को क्यों नीचे दे दिया। अबे ओए ओए बावड़ा हो गया भाई, देखो मेरे को नीचे दे के भाई निकल गया, कैसा आदमी है भाई गंदा सा। है बैंक भी यार ये टोनी अंकल कैसे हम लोग के ऊपर से निकल गए यार। और तू क्या उसके सामने बोलने लग गया था भाई कि उसी चीज की बात तो नहीं कर रहे, अभी उसको पता चल जाता कि हम लोगों के पास है वो वाली घड़ी जो मिलिट्री बेस से चोरी हुई है, तो भाई वो तो हम लोगों की ना खटिया खड़ी कर देता, तेरे को अक्ल नहीं है क्या। है फ्रैंक भैया फिर तो ये बहुत ज्यादा हार्ड चीज है, वो कैसे कोई तो ये वेपन है। हाँ वेपन तो है ये कोई सा, अभी चेक करते हैं यार हाल ही जगह पे चल के चेक करते हैं। देखो यार गाइस जहाँ पे कोई भी बंदा नहीं है अभी, यहाँ पे हम लोग मस्त तरीके से ना टेस्ट कर सकते हैं। अभी इसके अंदर डायलर तो है एक, घुमा के देखता हूँ यार गाइस इससे कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं पड़ता। हाँ इसको चूज करता हूँ एक मिनट को, ये ओ भाई साहब ये क्या हो रहा है। ओ भाई मैं क्या बन गया भाई, ओए होए 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 गाइस यार ये तो नेक्स्ट लेवल कोई चीज बन गया मैं। है फ्रैंक भाई यार ये क्या हो गया आपको। अरे यार ये वो बेंटन वाला हीट ब्लास्ट नहीं लग रहा क्या। अरे हाँ यार वो देखो बीच में ऑमलेट ट्रिक्स भी बना गया। हाँ यार और मैं क्या कर सकता। ओ भाई मैं मुंह से आग निकाल सकता हूँ क्या।
अरे यार हम पे मत लगा देना आग। अबे नहीं, तुम लोगों की तरह पागल थोड़ी हूँ मैं लगा दूँ आग। भाई साहब एक मिनट, तुम लोग यहीं पर है ना, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। भाई क्या नेक्स्ट लेवल चीज है। ओए होए 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 भाई ये देखो यार गाइस, एक दफा को अब कहीं पे भी आग लगा सकता हूँ क्या मैं? ओ भाई भाई ये तो क्रेजी है यार, इनको यहाँ पे आग लगा सकता हूँ क्या मैं? हर चीज को भाई मैं ऐसे एकदम से झुलसा के रख सकता हूँ। ओ भाई ये देखो भाई, फायर बॉल भी मार सकता हूँ मैं किसी को। ये देखो ये सामने है, ये बोर्ड के ऊपर फायर बॉल मारा, अबे ज्यादा दूर चला गया क्या? ये देखो भाई नेक्स्ट लेवल क्रेजी भाई। हेलो सर, हेलो कैसे हैं आप? ये देखो भाई मैं किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकता हूँ क्या? भाई साहब ये देखो बंदा कैसे करंट वरंट पड़ गया भाई इसको। अबे अबे मर गया क्या ये? अब मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। ठीक है जो भी है भाई, ये पावर तो काफी खतरनाक है। और भी भाई पावर आ रही थी वो भी देखते हैं भाई। यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है भाई, यहीं से कर लेते हैं जल्दी से। ओ भाई साहब ये अब मैं क्या बन गया? ये तो भाई काफी ज्यादा अजीब चीज है, इसमें तो ऑमलेट रिक्स कहाँ गया? आएगा से आए, ग्रीन वाले के अंदर है ऑमलेट रिक्स। है फेंकी भैया आपको क्या? हाँ मैं ही हूँ शिनचान, और किसी ने होना है। अरे यार ये क्या बन गए? पता नहीं है, चेन वेन भाई निकल रही है इससे। आएगा मैं भाई किसी भी चीज को चीर फाड़ सकता हूँ। और ये देखो भाई कितनी लंबी जंप मार रहा भाई, अपनी तो भाई नेक्स्ट लेवल वाला करेक्टर बन गया भाई। एक मिनट, यहाँ से हम लोग जल्दी से जाते हैं, किसी बंदे पे मैं ट्राई करना नहीं चाहता यार ऐसे फालतू में, किसी को हम लोग क्यों ही नुकसान पहुंचाए क्यों भाई। और ये देखो भाई पानी में भी मैं नीचे चल रहा हूँ, ये देख रहे हो यार क्या गाइस? अब पानी में भी मैं चल सकता हूँ क्या? नेक्स्ट लेवल यार ये तो हो गया। और टोनी ठीक कह रहा था, ये लिटरली एक वेपन है, सोचो भाई किसी गलत बंदे के हाथ में ये लग जाए वो तो भाई चीर फाड़ देगा सबको। यहाँ पे ही सुबह हम लोगों ने उस बंदे को बचाया था, आप लोगों को याद है क्या गाइस? यहाँ पे कहीं पे था वो बंदा, उसको हम लोगों ने बचाया था। बट हम लोग भाई किसी को भी यहाँ पे नुकसान पहुँचाने नहीं वाले। आज जल्दी से भाई दूसरा कोई एलियन जल्दी से बनते हैं भाई, देखते हैं उसमें कौन सी पावर्स हैं। ओ भाई साहब अभी ये मैं क्या बन गया? ओ भाई तो लिटरली कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल चीज बन गया मैं, यानी कि भाई ये तो गोस्ट फ्रीक लग रहा है मुझे। हाँ गाइस यार ये देखो भाई क्या तगड़ा, मैं क्या यहाँ से अंदर जा सकता हूँ? अबे नहीं इसके अंदर कैसे जाऊंगा वैसे मैं। ओए भाई लिटरली भाई मैं चीजों के अंदर आर पार हो सकता हूँ। ये देखो भाई यहाँ से मैं ये वाले पिलर के। ओ भाई है बैंक भी यार, ये अंदर कैसे घुस रहे हो चीजों के? पता नहीं है यार। ओ भाई गाड़ी टूट गई भाई अपनी, अबे गलती से उससे लग गया भाई मैं। अरे यार हम लोगों को मत उड़ा देना। अबे नहीं उड़ाता भाई, गलती से लगा हूँ मैं भाई। लिटरली देखो भाई कैसे यहाँ से, ये देखो भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, और भाई ये देखो कैसे मैं निकल रहा हूँ, क्या तगड़ा भाई। ओए 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 ये देखो भाई हर चीज के अंदर मैं आर पार हो सकता हूँ, किसी भी बिल्डिंग के अंदर मैं जा सकता हूँ भाई साहब, एक गाड़ियां वाड़ियाँ उड़ा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ मैं। यानी कि भाई पीछे वाले किसी भी कैरेक्टर में इतनी पावर नहीं थी भाई। ओए ये क्या हो गया भाई? ये देखो कुछ तो हुआ भाई, फालतू में भाई मैंने कर दिया, मेरे को तो पता भी नहीं है कि ये कैसे यूज करना है। और भाई जल्दी से किसी और एलियन में कन्वर्ट होना पड़ेगा इससे पहले भाई साहब यहाँ पे पूरी पूरी पुलिस फोर्स आ जाए। भाई यहाँ पे एक और करेक्टर अनलॉक हो गया भाई, काफी सारे करेक्टर लॉक हैं, ये वाला अनलॉक हुआ इसको भी करके देखेंगे जल्दी से। हाँ भाई करके देखते हैं भाई एक मिनट को। है बैंक भैया यार इधर बात सुनो। अबे क्या हो गया भाई? है बैंक भैया यार रेडियो पे खबर आ रही है कि लॉस सैंटोस पे किसी मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया, आयरन मैन भी बहुत ज्यादा जख्मी है और वो बैंक रॉबरी कर रहा है। अबे क्या बात कर रहा है भाई, फिर तो जाना पड़ेगा भाई, जल्दी आओ बैठो भाई तुम लोग। अरे यार मेरी बेटर मुझे डर लग रहा है। अबे चुप, फिर तू एक ऐसा काम करना, तू यहाँ से सीधा घर चला जा, मैं और शिनचान आ जाएंगे। अरे यार ठीक है। गाइस यार जल्दी से निकलना पड़ेगा अभी। ये लॉस सैंटोस में भाई ये बंदा कौन आ गया भाई? ये खुलेआम भाई सुबह सवेरे पूरा का पूरा चोरी वोरी कर रहा है भाई। ये बंदा कुछ ज्यादा पावरफुल लग रहा है, जिसने पूरे का पूरे अपने आयरन मैन की भी खटिया खड़ी कर दी है और उसको भी जख्मी कर दिया है। लोगों में भाई बिल्कुल डरा हुआ बचा ही नहीं है पुलिस का, दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं भाई वो भी मेरे होते हुए। लास्ट करेक्टर जो है ना वहीं पर जाके मैं चलाता हूँ, यानी कि जो अनलॉक हुआ ना एक और करेक्टर वो वहीं पर यूज करता हूँ जाके। आई गेस के मिलिट्री वालों को पता होगा कि इनको कैसे अनलॉक कर रहे हैं, बट मिलिट्री वालों के पास मैं जा नहीं सकता गाइस। हाय फ्रैंकी भैया यार यहीं पे रोक दो ना यार साइड में। हाँ यहीं पे रोक देता हूँ साइड में, तुम लोगों को आगे क्यों ही लेके जाऊँ भाई, ऑलरेडी रास्ते में भाई साहब ऐसे पुलिस पीछे पड़ गई थी। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं आगे चल के देखता हूँ कि क्या हो रहा है। फेंक भैया तुम लोग कौन? अरे यानी कि तू यहीं पे रुको, मैं भूल गया था भाई, चौप तो वहीं पे रह गया। हाय फेंक भैया ठीक है मैं यहाँ पे पीछे छुप के रहता हूँ। हाँ यहीं पे रही, अभी जल्दी से वो लास्ट वाला जो करेक्टर है उसमें जल्दी से ट्रांसफॉर्म होते हैं यार गाइस, तो देखते हैं कौन से करेक्टर हम लोग बनते हैं। ऑलराइट तो गाइस अभी हम लोग बन चुके हैं स्वैम्प फायर, और अब चल के देखते हो भाई इसमें तो कोई क्रेजी पावर ही है।
और ये रहा भाई यहाँ पे बैंक, ये रहे भाई पुलिस वाले। और भाई मेरे पे क्यों गोली चलाने लगे, पागल 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 हो गए तुम्हारी हत्या से भाई, भगो यहाँ से भाई सब निकल जाओ। भाई मेरे पे क्यों गोलियाँ चला दी, आई गेस इनको लग रहा है कि मैं भी उस लुटेरे के साथ हूँ, बट ऐसा नहीं है भाई। मैं अंदर चल के अभी देखता हूँ कहाँ पे है वो बंदा। यहाँ पे देखो भाई अंदर कितनी डिस्ट्रक्शन गाइस यार हो रखी है। ओ भाई साहब कुछ नेक्स्ट लेवल ही यहाँ पे लड़ाई हो रखी है आई गेस। भाई ये एकदम से कहाँ से गोलियों की आवाजें शुरू हो गई है ना, और भाई ये पता नहीं कौन सी पावर ही इनेबल हो गई, समझ नहीं आ रही भाई मैं इतनी फास्ट कैसे भाग रहा हूँ। ओ टोनी, अबे टोनी टोनी तू जिंदा है क्या? अरे तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे मैंने सुना था आपके बारे में टोनी स्टार्क। अरे नीचे जाओ और उनको रोको बैंक लूटने से। हाँ हाँ मैं जाता हूँ नीचे। कौन है भाई? अबे तुम्हारी ऐसे ऐसे भाई हम लोगों से पंगे नहीं भाई साहब। भाई मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ये पकड़ भाई, ये पकड़, ये पकड़ भाई। वह कितने सारे थे ये लोग, लिटरली भाई इतने सारे थे। अभी कौन गोलियां चला रहा है भाई, कोई बचा है क्या? अबे अच्छा तेरे को बहुत चढ़ी चढ़ी है, ये पकड़ भाई तू भी। तुम सब की भाई ऐसे ऐसे फालतू में भाई यहाँ पे चोरी वोरी कर रहे थे। अरे हमारा बॉस तुझे छोड़ेगा नहीं। अरे आ जाए भाई तेरा बॉस भी आ जाए, बट यार इनका बॉस तो आई कैसे निकल चुका है। अंदर देखो भाई सारे पैसे गायब है। अरे भाई साहब लगता है वो निकल गया यार, लेकिन भाई अभी टोनी को देखना पड़ेगा कि वो ठीक है कि नहीं। अभी ये स्वाम्प पार्क के अंदर से आग वाग कब से निकलने लग गई, पता नहीं ये क्या हो रहा है यहाँ पे। आयरन मैन आप ठीक हो क्या? अरे मैं तो ठीक हो ही जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मिलिट्री बेस से ये हाईटेक वेपन चोरी किया। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था, मैं भी तो एक क्रिमिनल ही हूँ फिलहाल, यानी का भाई पुलिस वुलिस की नजरों में और बाकी के लोगों की नजरों में तो अभी भी मैं तो एक क्रिमिनल ही हूँ ना, जिसने को चोरी किया भाई मिलिट्री बेस से ये पूरा का पूरा हाईटेक वाला ऑमलेट्रिक्स। निकलना पड़ेगा अभी, आसपास मेरे को नजर आ रही है कि भाई पूरी की पूरी गाड़ियां वाड़ियां और सारे हेलीकॉप्टर आए हुए हैं भाई, कहीं से कोई चीज पे बैठना पड़ेगा। सामने बाइक नजर आ रही है उसी को लेते हैं। भाई साहब निकलते हैं अभी, पूरी की पूरी ये जो बाइक है ना इसमें से भी आग वाग निकलने लग गई है। ऊपर से ये पुलिस वाले इतने सारे पता नहीं कहाँ से आते जा रहे हैं। और भाई ये देखा आप लोगों ने अभी गाड़ी के पास से लिटरली मैं गुजरा और गाड़ी उड़ गई है। देखो भाई अभी ये वाली पुलिस की गाड़ी है भाई, इसको तो कुछ नहीं हुआ। अबे वो तो उड़ गई थी, इसको कुछ क्यों नहीं हुआ? अरे भाई वो ये देखो भाई, अब देखो भाई पूरी की पूरी गाड़ी उड़ रही है भाई। निकलते हैं यहाँ से अभी, कहाँ पे जाऊँ यार? यहाँ पे कार वॉश एक सही जगह लग रही है। हाँ यहाँ पे कोई भी नहीं देखेगा। ऑलराइट तो अभी मैं पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका हूँ। और भाई ये देखो पुलिस वाले बाजू से निकल गए, बट इन लोगों को पता भी नहीं चला अभी। ये भाई काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ हो गई। अभी ये देखो यहाँ पे खड़े, बट इन लोगों को पता ही नहीं कि मैं ही वो बनता हूँ जो कि अभी वहाँ से निकला है। ये देखो भाई हर तरफ चारों तरफ पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं यार, बट भाई थैंक गॉड मैं बच गया। और बाइक में जो आग लगी हुई थी वो अभी ऑटोमेटिकली भाई अभी पूरी की पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। लो जी लो घर पहुँच गया मैं अभी यार। शिनचैन अभी पहुँचा नहीं भाई, गाड़ी तो नहीं खड़ी अपनी, आई गेस भाई शिनचैन अभी तक नहीं पहुँचा होगा। जल्दी से अंदर चल के देखते हैं, चौप आ गया क्या? अरे हाँ भाई चौप आ गया क्या तू? अरे यार मैं तो कब का आ गया, शिनचैन कहाँ पे है? अरे शिनचैन आया नहीं था क्या? अरे यार पता नहीं, मैं तो बाहर से जब आया तो अंदर कोई भी नहीं था। अरे अच्छा अब पता नहीं भाई शिनचैन कहाँ पे गया यार। यार ठीक है यार गाइस कोई बात नहीं, हम लोग एक काम करते हैं ना, जल्दी से अपने सीसीटीवी कैमरा पे देख लेते हैं ये शिनचैन आया भी था कि नहीं आया था। हाँ भाई चेक कर लेते हैं एक दफा को। अभी थोड़ी देर पहले की कैमरा की फुटेज देखें तो अभी तो देखो भाई यहाँ पे शिनचैन नहीं आ रखा, और आई गेस जॉब भी अभी तक नहीं पहुंचा हुआ। बट गाइस यार ये देखो मुझे तो शिनचैन वाली गाड़ी लग रही है। हाँ भाई ये तो मेरी गाड़ी है, और शिनचैन का बच्चा तो यहाँ पे आ गया। भाई इसने लगता है गाड़ी भी कहीं पर ठोकी है। शिनचैन तो गाड़ी लगा के अंदर चला गया था, बट जॉब कह रहा था कि शिनचैन तो पहुंचा ही नहीं। दूसरे कैमरा एंगल की बात की जाए तो यहाँ से भी आते जाता कोई नहीं मुझे दिख रहा, ना ही जॉब नजर आ रहा है और ना ही भाई कोई और ऐसा बंदा नजर आ रहा है जिसके साथ शिनचैन गया हो। ऊपर से ये शिनचैन फोन भी नहीं उठा रहा, पता नहीं भाई कहाँ पे गया हुआ ये बेवकूफ बंदा, बता के तो जाता है। एक मिनट गाइस यार मैं कब यहाँ पे पहुंचा वो भी ये वाली बाइक पे। गाइस मैं तो इस वाली बाइक में आई नहीं कभी घर, और ये बंदा कौन है? दूसरे कैमरे पे स्विच करना पड़ेगा। भाई साहब ये बंदा मेरा भेज बदल के अंदर कैसे आ गया? और ये देखो भाई ये तो शिनचैन के पास आ रहा है। आई गेस चॉप अभी तक नहीं आया क्योंकि पीछे चॉप मुझे नहीं नजर आ रहा। पता नहीं अभी क्या बातें चल रही हैं क्योंकि लिटरली इतनी दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ये बंदा अभी पता नहीं कौन है,
और ये मेरा भेस बदल के यहाँ पे शिनचैन को लेने आया था क्या? शिनचैन भी पता नहीं कहाँ जा रहा है। दूसरे कैमरा एंगल पे चलते हैं जल्दी से। ये बेवकूफ शिनचैन तो गाड़ी में बैठ रहा है भाई। ये बंदा भी आ गया जो कि बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है। अभी ये गाड़ी में बैठ गया। ये इसको शिनचैन को लेके कहाँ जा रहा है भाई? कैमरा मूव करूँ भाई? भाई ये देखो भाई कहाँ पे चला गया ये बंदा शिनचैन को लेके। ओ भाई ये क्या चीज़ है भाई, अचानक से भाई ये बंदा मेरा रूप लेके आता है और शिनचैन को लेके चला जाता है। दूसरे कैमरे पे चले क्या? भाई इस वाले कैमरे से भी पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पे गए। लिटरली हम लोगों के घर से ले गया। पार्टी ये बाइक तो अभी भी यहीं पे खड़ी है। वैसे देखो यार गाइस ये वाली जो बाइक खड़ी है कुछ मिलिट्री टेक्सचर की लग रही है। आप लोग अगर देखो गौर से तो आप लोगों को नजर आएगा कि भाई ऐसे ना मिलिट्री के जैसे भाई कैमोफ्लाज होती है ना वैसी सी बन रखी है इसके ऊपर लाइनिंग वाइनिंग। बट जब मैं बाहर आया तो बाहर तो कोई भी ऐसी बाइक खड़ी नहीं हुई यार। यानी कि अगर वो बंदा यहाँ पे ये बाइक छोड़ के गया है तो बाइक लेने भी तो कोई आया होगा ना। अरे भाई ये कौन भागता आ रहा है भाई? ये तो बॉलोस गैंग का मेंबर लग रहा है भाई। ये बंदा यहाँ से बाइक लेके ये कहाँ जा रहा है? ये देखो भाई बिल्कुल मिलिट्री वाले पैटर्न बने हुए हैं इसके ऊपर। और भाई ये देखो ये बंदा यहाँ से बाइक लेके निकल गया। भाई ये बहुत बड़ा प्लान है यार गाइस डेफिनेटली। और भाई ये देखो ये तो अपोजिट डायरेक्शन में निकल गया। यानी कि भाई वो बंदा शिनचैन को लेके उस तरफ को गया और ये बंदा इस तरफ को निकल गया। यानी कि गाइस यार शिनचैन को कोई जानबूझ के अपने साथ लेके गया है। अरे क्या बात करो, जब मैं तब तो यहाँ पे कोई नहीं था। हाँ चौप, तेरे आने से पहले ये सारे कांड हो चुके थे। और भाई कोई मेरा भेस बदल के पूरा ऐसे भाई मेरे जैसा मुंह कैसे हो सकता है किसी का भी? यानी कि भाई पूरा ऐसे मेरे जैसा मुंह था और मेरे जैसा ही सब कुछ था उस बंदे का। अभी घड़ी वगैरह तो मैं अंदर उतार के आ गया हूँ, सेफली रख दी है। बट अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा, इस वाले कैमरे की फुटेज भी मैंने देखी, वो सामने वाले की भी देखी और पीछे वाले की भी देखी, आप लोगों ने भी देखी यार गाइस। पता नहीं वो बंदा अभी कौन ही था और ये बॉलर्स गैंग से क्या लेना देना है भाई इस घड़ी का? और बॉलर्स वाले मिलिट्री की हेल्प कर रहे हैं या फिर मिलिट्री बॉलर्स वालों की? कुछ समझ नहीं आ रही अभी मुझे, कुछ समझ नहीं आ रही। आई गेस भाई मेरे को सीधा का सीधा ना जाना चाहिए ग्रुप स्ट्रीट और जाके बॉलर्स वालों से पूछना चाहिए कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। बट एक काम करता हूँ, जल्दी से अपनी वॉच भी पहन लेता हूँ ना भाई। लो भाई अभी घड़ी भी पहन लिया मैंने अपनी और अब निकलते हैं भाई बॉलर्स वालों का मुंह तोड़ने के लिए। भाई गाइस यार आज के लिए फिर आई गेस इतना ही रखते हैं। होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों को गेम प्ले भी पसंद आया होगा। अभी शिनचैन की काफी ज्यादा परेशानी मुझे हो रही है कि पता नहीं वो कहाँ पे चला गया, वो हम लोग देखेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में। और ये बंदा मेरे जैसी शक्ल और मेरे जैसे कपड़े पहन के कैसे से आ गया मेरे को समझ नहीं आ रही, बट बॉलर्स वाले इस बात को जरूर से जानते हैं। भाई गाइस यार आज की वीडियो लगी अच्छी तो जल्द कर दो वीडियो को लाइक, चैनल पे दफा है तो जल्दी से हमारे सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो जल्दी जाके कर लो। @rubylism इंस्टाग्राम हैंडल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं शिनचैन चौप आप लोगों से मिलते हैं यार गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखो अपना ख्याल, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।